दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीआई मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, मच्छरों का प्रकोप लगातार जारी है, जिसके चलते डेंगू फैल गया है। डेंगू के 161 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सिविल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 10 मरीजों का इलाज चल रहा है। अधिकतर से फाजिलका में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, नालियों में गंदा पानी जमा है, जिससे लोग बेहद परेशान हैं। फाजिलका में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। 161 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। सिविल अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर कौंसिल द्वारा फॉगिंग मशीनों द्वारा स्प्रे भी शुरू कर दिया गया है। फाजिलका से यह रिपोर्ट आ रही है, आपको लाइव खबरें दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। भाई जी, बीमारियां इस नाल लग रही हैं बच्चों नूं, डेंगू नाल बीमार हो रहे हैं बच्चे। ठीक, हुण की मांग करदे हो? बस नालियां साफ कराइया जाण। फाजिलका के आनंदपुर मोहल्ले का यह दृश्य है, जहां पर नालियों में गंदा पानी जमा है। लोगों का कहना है कि यहां पर सफाई नहीं की जा रही, जिसका से लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। लोगों का कहना है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते उनकी गलियों में पिछले 2 महीने से गंदा पानी खड़ा है, जिससे उन्हें बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर बीमारियां फैलने का खतरा है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल। क्या नाम है जी आपका? राधा शर्मा। कौन से मोहल्ले में रहते हो? आनंदपुर मोहल्ले। ये जो पानी खड़ा है, इसकी क्या कारण है? ये खड़ा पानी जो होता है, ये कारण यही है कि नाली साफ नहीं करके जाते। कितने सालों से नहीं की, अंदर से वो पुली भर गई थे, गंदी भी साफ। कितने महीनों से ये पानी खड़ा है? 2 महीने हो गए। अच्छा, तो आपने कभी शिकायत नहीं की नगर कौंसिल में जाके? सुनाई नहीं होती। कोई आप ही दसो, गंद है कि नहीं? अच्छा जी, देखो कितना गंद है। बच्चे ने, बच्चे खेलते ने, बीमारी मच्छर इतना सारा घरे होया पिया है, ते कीड़े सारे नाली के अंदर जांदे ने। इत्थे ओ स्प्रे वाले आए सी धुआं छड्डन वाले? इत्थे कोई नहीं आंदा, इत्थे कोई नहीं आंदा, पानी करके कोई नहीं आंदा। अच्छा, कोई और नहीं आए फॉगिंग वाले? की नाम सर तुहाडा? मेरा नाम युवराज सर। युवराज जी, की कहना चाहोगे? शहर दे विच डेंगू फैलिया पिया जी। सर डेंगू बहुत होए पिया सर, जटिया मोहल्ले जी बड़े केस निकले सर। मैं क्या कमेटी गया सी होनी, मैं क्या सी सर दवाई का छिड़काव वो कह रहे थे करा देंगे सर। जगह जगह मरीज बहुत होए पे, मैं खुद मरीज लेके आ रहे थे जी सर। किन्ने मरीज ले आए तुसी हुण तक? मैं तो मरीज कम से कम 10-15 मरीज ले आए सर। अच्छा जी, हां जी। शहर च कुल किन्ने मरीज होणगे डेंगू दे? मेरे हिसाब नाल 100 मरीज होणगे जी। अच्छा जी, मैं तो लोगों को बेनती करना चाहवांगा, जेड़े मरीज ने हस्पताल च लेके आण, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ? ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਬਈ, ਘਰ 'ਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣ, ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੇਨ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਸਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਜਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੋ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਢੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
जी किन्ने के तुसी सर्वे किया था, किन्ने के मरीज सामने आए जी हुण तक कंप्लीट तो असी नहीं कह सकते कि कल तक साढ़े को 32-33 केस आए सी जिद विच अलग अलग टीम बनी हुई हैं हरेक मोहल्ले टीम जा रही है 4-5 मैंबर है जी। बाकी ब्रीडिंग चैकर भी साढ़े नाल ने स्परे कर रहे हैं जिन्हें घर मान लो कोई केस मिलता है पॉजिटिव डेंगू केस उन्होंने घर के उन्होंने आसे पासे आंढ गुआंढ असी स्परे करवा रहे हैं। सब तो ज़्यादा केस के एरिए नज़र आएगी फाजिलका के एरिए सब तो ज़्यादा डेंगू के केस नज़र आए सुनिए जी आप NBBDC शाखा तो पता लग सकता है कोई डेली आप नहीं तुम्हें जी रिपोर्ट की हूँ तक हाँ जी एरिए किन्ने जो सर्वा किया जी उनके किड़े एरिए सब तो ज़्यादा आए तकरीबन राम गली अच्छा जी किन्ने केस होने उनके घटो घट भी 8-10 केस है अच्छा जी मतलब एको गली चढ़ हाँ जी हाँ जी अच्छा जी उत्थे सफाई होने वाली जी नालियां दे विच बहुत ही गंद पिया है हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल हाँ जी ये 8-10 केस जिहड़े हैगे है वो सिर्फ नेड़े नेड़े ही है कोई ज़्यादा दूर नहीं है भी एक इत्थे है या दूजा उत्थे है नहीं नेड़े नेड़े केस हैगे है वाले फाजिलका में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसके मद्देनजर फाजिलका के जिला अस्पताल में स्पेशल वार्ड की स्थापना भी कर दी गई है जिसमें 10 मरीजों का उपचार भी किया जा रहा है। फाजिलका के SMO डॉक्टर सुधीर पाठक द्वारा इस बारे में जानकारी दी गई मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ डॉक्टर सुधीर पाठक से इस प्रकार से जानकारी दे रहे हैं आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ बने रहे हमारे साथ देखते रहे हमारा चैनल फाजिलका के डेंगू की बीमारी बहुत फैलती जा रही है इनकी रोकथाम वास्ते या उनके इलाज वास्ते स्वास्थ्य विभाग वालों की प्रबंध किए गए जी देखो डेंगू के इलाज इतने डेंगू के टेस्ट करने किटा जड़िया है वो फाजिलका जिला अस्पताल मुफ्त जराइया जाए टेस्ट जोड़े है सारे मुफ्त होंगे जी लोगों अवेयरनैस की जाती है कि डेंगू के लक्षण जोड़े देख के जे किसी बुखार है दर्द है लत्तां च ज़्यादा दर्द है अखां दे पोटियां दे विच ज़्यादा दर्द है तो वह आपकी जल्द तो जल्द जिहड़ा अपना टैस्ट करवाओ वो टैस्ट जिहड़ा पॉजिटिव आ जाता है उनके वास्ते उस तो बाद साढ़े कोल हर टाइम एक मैडिकल स्पैशलिस्ट की जिहड़ी ड्यूटी है जिहड़ी कि साढ़े कोल हर टाइम रहती है जी डेंगू के मरीजों की देख संभाल जिहड़ी है वो की जाती है उनके वास्ते अलग वार्ड बनाया गया है जिदे डेंगू के मरीजा जड़े कि पॉजिटिव आते हैं वो रखन की जड़ी है हर एक अच्छी तरह नाल सेहत संभाल उन्हों की करन लई वार्डा अलग तौर पर रखी गई है उन्होंने उपर जड़ी जानी जड़े है वो लगाए जाते हैं उन्होंने सैपरेट रखा जाता ता जो जो मच्छर है वो उन्होंने एक कट के दूजे ना कट ठीक है सर किन्ने मरीज हुण तक जिला अस्पताल दे विच आ चुके जिला अस्पताल दे विच जिहड़े दाखल मरीजों की गिनती जिहड़ी हैगी है वो अराउंड 10 के करीब दाखिल हुए है तो ठीक हो गए आपदे आपदे घर गए। हमने इस संबंधी फाजिलका के सिविल सर्जन डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी से भी बातचीत की उन्होंने फाजिलका में 161 डेंगू के मरीजों की पुष्टि की है आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ बने रहे मेरे साथ देखते रहे मेरा चैनल। ये डेंगू का सीजन है पर इस तरह के केसेस हर साल आते हैं इस साल भी केसेस डेंगू के हैं हूँ तक सारा साल का केस आप गल करते हैं तो 162 के करीब केस जो है आए जो डेंगू पॉजिटिव हो गए और उसका कारण सब तो वाला है यह होया कि साढ़े वालों जी जागरूकता मुहिम जी है पिछले 2-3 हफ्तों तो ज़्यादा एक्सटेंसिवली चली उसका कारण यह है कि लोग आप आके खून जोड़ा है वो टेस्ट करवा रहे हैं तो खून टेस्ट करवा के केस साढ़े कोट हो रहे हैं चंगी गल है बजाय के केस जो है वो घर बैठे रहेंगे और इस करके साड़ी जी है मुहिम वो डेंगू भी होर भी ज़्यादा तेज हो गई है बहुत सारे वर्कर्स ने जो सर्वे कर रहे हैं प्लस लोगों को जागरूक कर रहे हैं और
ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ ਜਿਸਮ 160 ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚਾਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਸਕੈਟਰਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਘਰ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੇ ਗਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਮੱਛਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਬੁਖਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਲੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਂਗੂ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪਪੀਤੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟ ਵੱਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪ੍ਰੀਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं फाजिलका के चौक घंटाघर पर पंसारी की दुकान चलाने वाले अंशुल नागपाल से विधिकार से जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद में डेंगू का पूर्ण रूप से इलाज है, देसी दवाइयों के जरिए डेंगू का इलाज किया जा सकता है। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अंशुल नागपाल से, विधिकार से जानकारी दे रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਸ਼ੁਲ ਨਾਗਪਾਲ। ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਤਰਫ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਲੈਟਲੈਟ ਸੈੱਲ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 1,50,000 ਸੈੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1,50,000 ਸੈੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੱਡ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣੇ, ਸਿਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ ਆਉਣਾ, ਉਲਟੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਚਣਾ, ਉਲਟੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਸਰੀਰ ਰਹਿਣਾ, ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਜੇ 'ਤੇ, ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਿਲੋਏ ਦਾ ਰਸ, ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ ਨਾਲ